नमस्कार, मैं हूं नीलू। सुबह की खबरों में आप सभी का स्वागत है। और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे बजट को पेश करेंगी। और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बनाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने वाला है, साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। वहीं इस बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है। वहीं इस बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। वहीं युवाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो 3.0 मोदी सरकार का बजट, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, इसके लिए तैयारी कर ली गई है। 11 बजे निर्मला सीतारमण सदन में बजट को रखने वाली है। उम्मीदें बहुत ज्यादा है देश के लोगों को, हर वर्ग को उम्मीद है, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी को, और खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को खासतौर पर उम्मीद है कि उन्हें थोड़ी सी राहत मिलेगी। आम आदमी के लिए टैक्स बहुत बड़ी बात होती है, वहीं किसान महिलाओं के लिए भी बजट में क्या रहने वाला है इस पर नजर रहेगी। तो इनकम टैक्स की मौजूदा व्यवस्था क्या है, क्योंकि देखिए जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको सबसे ज्यादा इसी की आस रहती है कि क्या उनका स्लैब रहना है, किस तरह की छूट होगी। तो इनकम टैक्स स्लैब, पुरानी टैक्स व्यवस्था, नई टैक्स व्यवस्था, 0 से 2.5 लाख यानी 2.5 लाख, 0 से लेकर 2.5 लाख। वहीं पर अगर बात की जाए तो 25,001 से 3 लाख, 0 से 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक 5%, 0 से लेकर 3 लाख से लेकर 5 लाख तक अगर बात की जाए तो 5% की छूट है। वहीं 5 लाख से लेकर 6 लाख तक के बीच को 20% आपको अभी टैक्स देना पड़ता है। वहीं पर 6 लाख से लेकर 9 लाख तक करीब 20% टैक्स देना पड़ता है। वहीं पर 9 लाख से 10 लाख के बीच 20% इस वक्त आपको टैक्स देना पड़ता है। 10 लाख से लेकर 12 लाख तक आपको 30% तक टैक्स देना पड़ता है। 12 लाख से 15 लाख के बीच 30% है। वहीं पर 15 लाख से ऊपर वालों को 30% तक टैक्स देना पड़ता है। और इस स्लैब में कुछ बदलाव होगा कि नहीं आज के बजट में, ये देखने वाली बात होगी। वही महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए इनकम टैक्स व्यवस्था, इनकम टैक्स स्लैब, पुरानी टैक्स व्यवस्था क्या है, तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है यानी कि तो उसके लिए आपको कुछ नहीं देना होगा। एसी बहुत कम लोग हैं एसी में चलने वाले, जो लेबर क्लास हैं चाहे जनरल क्लास हैं, उनको लिए स्लीपर क्लास तक का जो कोटा है ना वो कम कर दिया है। हर एक ट्रेन में देखेंगे कि अधिकांशता एसी कर दिया है, तो वो चाहिए कि हमको जनरल के लिए उनको सोचना चाहिए कि जो लेबर क्लास उनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। लोकल ट्रेनें बहुत अभी इधर इस रूट में देखेंगे धनबाद बोकारो झारखंड के लिए, चाहे आप रांची कोलकाता के लिए, वो सब भी बहुत कम चल रही है, तो सब सुविधा चाहिए। ये उम्मीद करते हैं कि सरकार से ये आगे करें। बजट तो देखिए, हम लोग तो अभी महंगाई तो चरम सीमा पे हैं। सब्जी लेने जाओ तो 100 रुपये से कम कोई है ही नहीं, प्याज लेने जाओ तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसमें सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो नॉर्मल बजट अभी हमारा जो चल रहा है उसको कम से कम महंगाई दर को कम करना चाहिए, उससे उम्मीद रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए तो लोगों की अपनी अपनी राय है, वो कह रहे हैं कि स्लीपर क्लास को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ जो महंगाई है उसे कम करना चाहिए, महंगाई दर में कमी आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से। और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से महिलाओं का भी स्लैब है, उनको भी किस तरह से छूट मिलती है, वो भी हम आपको बता रहे थे। विकसित भारत की रणनीति संभव है, कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए ये कदम उठाने की बात प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है और उसके लिए ये बजट काफी अहम हो जाता है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि हल्ला हंगामा करने की जगह इस बजट को सुने, बजट में क्या है क्या नहीं है।
उन सब बातों को देखें, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और आम जनता भी राहत की एक तरह से कह लीजिए उम्मीद जताए बैठी है निर्मला सीतारमन से। बजट में कहा क्या होगा, किस पर कितना फोकस होगा, वो भी हम आपको बता दें। 5 साल का एक रोड मैप संभव बताया जा रहा है। विकसित भारत के लिए रणनीति संभव है। इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए कदम संभवतः उठाए जा सकते हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए नए फैसले लिए जा सकते हैं। वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा, ये बड़ी बात है। ग्रीन इकोनॉमिक पर जोर हो सकता है। तो इस बीच बजट में क्या खास रख सकता है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 5 साल के लिए बजट काफी अहम है और खास तौर पर 2047 तक विकसित भारत के साथ यूनियन बजट इसको कहते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या आपके लिए क्या हो इस बजट में? अब हमने के लिए क्या करी है, वो तो भाई जो करी है तुम तो करवा करी है, हमें क्या कह लिया। दिक्कतें आती हैं कि खेती बाड़ी करने में? अरे खेती बाड़ी में दिक्कत तो बहुत सी है, जैसे अब समझ लीजिए जितना हम लोग लगाते हैं उतना पैदा नहीं हो पा रहा है जी। मजदूरी हम लोग की नहीं निकल पा रही है, बताइए मजदूरी निकालने के लिए क्या होना चाहिए भाई, वो सरकार समझे तब तो कोई बात बने। नहीं, क्या बेहतर होने चाहिए, वही जैसे आप किसान हैं भाई, रेट बढ़ाएंगे जो है अनाज का तभी ना होगा। अभी रेट क्या मिलता है बाबूजी और क्या बढ़ना चाहिए? अभी रेट इधर तो भाई बेच नहीं रहे हम लोग, बस उतना खाने भर के हो ही नहीं रहा, तो हम लोग बेचेंगे क्या। और बजट पेश होने से पहले आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना हो जाएंगे, फिर आम बजट को पेश किया जाएगा। तो आज पहले एक जो प्रोटोकॉल होता है बजट पेश करने से पहले, वो पूरा प्रोसेस निभाया जाएगा, जिसमें बजट पेश होने से पहले आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी, इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के सदन पटल पर बजट को रखने वाली है। तो सुबह 10:15 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक है, जिसमें बजट को रखा जाएगा और उस पर मुहर लगेगी। और महिलाओं को हम कैसे छोड़ दें, बजट से महिलाओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, उनकी क्या मांग है, उनसे बात की हमारी संवाददाता नितिका दीक्षित ने। सरकार के बजट का पिटारा खुलने वाला है, हर वर्ग को इस बजट से ढेरों उम्मीदें हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार बजट में क्या कुछ चाहती हैं। सीधे शुरुआत करते हैं, आपसे पहले शुरुआत करते हैं, आप पहले अपना नाम बताइए और क्योंकि बजट आने वाला है तो महिलाओं को क्या। बहुत बड़ी महामारी हमारे यहाँ फैल चुकी है। मेरा नाम रीना त्रिपाठी है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। बजट मतलब बजट अगर देखा जाए सबसे पहले हमारे किचन से शुरू होता है, जो कि आर्थिक चीज़ें हमारे जैसे तेल हो गया, मतलब किचन का ग्रोसरी, बाकी स्कूल के खर्चे हैं, चिकित्सा है और भी हमारे जो डेली के हैं। तो मतलब सरकार को चाहिए कि जो आम आदमी है, जैसे जिसके पास रोज़गार है उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं जिसके पास व्यवसाय कुछ है तो वो क्या करेगा। आम इंसान डेली कमाता है कुछ, हमारे जो हमसे नीचे हैं लोअर वाले हैं तो वो डेली ला रहे हैं, डेली खा रहे हैं, अगर उनके यहाँ आकस्मिक कोई ऐसी घटना हो गई तो वो बेचारे क्या करेंगे। क्या आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे प्रावधान इस बार बजट में होने चाहिए जिससे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो महिलाएं आगे बढ़ें? जी, मेरा नाम प्रतिमा तिवारी है। रोजगार बढ़ना चाहिए क्योंकि महिलाओं के एक आदमी कमाता है, इतने लोग खाने लग बैठते हैं, इस वजह से महिलाओं का यही है कि उन लोग को भी कुछ नौकरी चाहे जो भी है कुछ दिया जाए उन लोग को भी, क्योंकि एक की कमाई से घर में नहीं चलता है। एक कमाने वाले हैं, 10 लोग खाने वाले हैं, इस वजह से महिलाओं को कुछ ना कुछ रोजगार देना चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं को राहत मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार बजट में क्या कुछ होना चाहिए? मैं पूनम उपाध्याय। बजट में तो हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं निर्मला जी से, और चाहिए भी, क्योंकि सब जैसे बजट आता है इसका मतलब दाम हर चीज़ के बढ़ने हैं, कोई हम ये उम्मीद नहीं करते इस चीज़ का घटेगा। तो दाम पहली बात तो जो है सो है, घटना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम जो है वो मतलब रहे, स्थायी तो रहे उसमें। और टैक्सेशन में ऐसा करें कि सबको लाए जद में, ये नहीं कि केवल जो सर्विस वाला है, सर्विस क्लास का, वो टैक्स भर रहा है, बाकी लोग टैक्सी चोरी कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और आय के स्रोत बढ़ाएँ ताकि हम लोग इस तरह से परेशान ना हुए। और शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी, उस पर भी उनको अपना पूरे बजट में ध्यान देना चाहिए। मेरी तो यही उम्मीद है और मैं आशा करती हूँ कि होना भी यही चाहिए। थैंक यू। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और क्या कुछ महिलाओं की डिमांड है? शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ी, सबसे बड़ी डिमांड ये है, क्योंकि ये
आजकल मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास के लिए बहुत सबके लिए ज़रूरी और सबसे ज़्यादा खर्चीला है। हम प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कम से कम गवर्नमेंट निर्धारित कर दे कि आपको कितनी लेनी है, और एक प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनकी फीस भी निर्धारित कर दे, और जो दाल चावल आटा का मूल्य भी है तो मैं सोचती हूँ एक निर्धारित होना चाहिए कि इतने किलो हो गए इससे ऊपर नहीं जाएंगे। कम से कम सरकार के पास इतना भंडार तो होना चाहिए कि उसका एक मूल्य निर्धारित हो। ये नहीं कि दाल 200 में पहुंच गई तो आप कहते हो कि बच्चों को प्रोटीन दो, कैसे देंगे प्रोटीन। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि महिला वर्ग को कम से कम रोज़गार की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि वही घर चलाती हैं।